किसान का जितना धैर्य का वो उसे इम्तिहान लेना है ले, हम यही जमे। माँ ने दूध पिलाया जो किसान को बरगला दे, तो गांधी जी के तीन बंदर हैं, ना देखूंगा ना सुनूंगा ना कुछ बोलूंगा। तब देखते हैं गांधी जी के बंदर, एक दिन बोला तो है थोड़ा सा, और देखता कब है सुनता कब है, हमें भी कोई जल्दी ना। आराम से लौट रहे घर से, माल आ रहा खा रहे पी रहे अपने लौट रहे। भाई सलूशन निकालना सरकार का काम है। अब सरकार तानाशाह हो रही है और तानाशाह से लड़ना बड़ा कड़ा पड़ता है, तो इसलिए तानाशाह जब तक अपना सारा खानदान ख़त्म नहीं करा लेता तब तक तानाशाह झुकता नहीं है। जैसे रावण था, रावण ने तानाशाही दिखाई, सारा खानदान ख़त्म करा दिया, बाद में झुका। वैसे ये भी लग रहा है सारी बीजेपी को गड्ढे में घेर के तभी करेगा काम को, कोई बात नहीं हम तैयार हैं। जब तक सरकार चाहे किसान का जितना धैर्य का वो उसे इम्तिहान लेना है ले, हम यही जमे। ये देश की जनता को किसानों के प्रति भड़काने का षड्यंत्र है, ताकि देश की जनता जो आसपास की यहाँ की जनता है, वो जो बेचारे मजदूरी करते हैं किसी नौकरी करते हैं दिल्ली में, वो इस रास्ते से ना निकल जाएं और वो किसानों के विरोध में आ जाएं, ऐसा सरकार चाहती है। लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है, उसने 10 किलोमीटर घूम के जाना पसंद कर लिया है, लेकिन वो किसान को प्यार करती है। क्यों? कि किसान का अन्न जो खाता है वो किसान से प्यार करता है, बहुत बढ़िया, और जो गोबर खाता है वो किसान से नफरत करता है। वो मुट्ठी भर विपक्ष हमें बरगला लेगा, और ये इतनी मजबूत सरकार हमें समझा नहीं पाई क्या ऐसा हो सकता है। किसान किसी की माँ ने दूध पिलाया जो किसान को बरगला दे, किसान इन सरकारों से ज़्यादा समझदार है, इन सरकारों से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और विपक्ष 2013 से पहले ये भी तो विपक्ष में ही थे, क्या ये किसानों को और लोगों को बरगलाते थे? मतलब चोर को हमेशा चोर ही दिखाई देगा। जैसे कि सरकार मजबूत की बात आती है, आप बराबर यहाँ सरकार को ललकारते रहते हो, तो सरकार से मजबूत तो आप दिख रहे हो। है? हम तो है ही मजबूत, हमने सरकार बनाई है, सरकार ने हमें नहीं बनाया। और हम जब किसान देश का नागरिक जब चाहता है सरकार बना देता है, और देश का नागरिक जब चाहता है सरकार को जमीन में गाड़ देता है। ताली बजा दो भाई, ताली बजा दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ट्विटर पे जवाब मोदी जी नहीं देते, ईमेल पे जवाब मोदी जी नहीं देते, हैं? और कोई भी, और उसका वो इंस्टाग्राम पिस्टाग्राम है, हमने सारे कर लिए, उस पर जवाब नहीं देते, अपना नंबर नहीं देते, और देश की जनता को कहते हैं मैं एक कॉल दूर हूँ किसानों से। क्या मोदी जी 2 रुपए है नहीं, हम भिजवा देंगे चंदा करके। ऐसा लगता है किसानों की बात में दम नहीं है, जो विदेश तक बात पहुंची और मोदी जी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैंने बताया नहीं, मोदी जी के तीन बंदर हैं, अभी कान बंद है। आप जानते हो ना? किसे? तीनों बंदरों को जानते? जानता हूँ। हाँ, एक मोदी जी है, एक अमित शाह है, और तीसरे को तुम देख लो ना कौन है। किससे? अरे हम वो किसान हैं, मतलब जो डर गया समझो मर गया। हम किसान हैं, डरते नहीं। मोदी जी से मन की बात में अगर वो एक बार सच्ची सच्ची बता दे, बिल किसने बनाया एक बार बता दे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मन की बात में कोई कुछ नहीं करेंगे, मन की एक जनता को बहकावा है। अगर उसको इतना ही मन की बात करनी है तो किसानों के ये काले कानून वापस ले, MSP पे गारंटी का कानून बनाए, और स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू करे, और वो सरकार चलाए और हम खेती करें। कैसे बना देंगे कानून? जिस दिन कानून बना देंगे
सारी संसद उसमें ना मिल जाएगी तिहाड़ जेल में है? जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़े लिखे हैं वो संतरी बने, और जितने देश के अपराधी माफिया वो संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके घरवाली छोड़ दे वो भारत का प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उस वक्त बीजेपी सरकार के नुमाइंदे रोज डेली महंगाई को लेकर रोड पर बैठ जाते थे। तो आज दिन पे दिन जो महंगाई बढ़ रही है, आज वो कहाँ गए नेता, सभी कहाँ आके बंद करे बैठे हैं। देखिए आप महंगाई पे ले लो, एक वो स्मृति ईरानी है, कौन सी ईरानी तिरानी है, है? मनमोहन सरकार में 300 रुपए का गैस का सिलेंडर होने पर देश के प्रधानमंत्री को चूड़िया भेंट करने गई थी, बार बार सिलेंडर सिर पे और हाथ में चूड़िया लेकर के प्रधानमंत्री को भेंट करती थी। और आज 750 के आसपास गैस का सिलेंडर हो गया, तो अब मोदी जी को क्या भेंट करने जाएंगी? अंडर गारमेंट जाएंगी क्या भेंट करने? भाई ये पता नहीं सुना मैंने सब। सात साल का हो गया, इतना बड़ा है वो दिखता नहीं, विकास कहाँ है? देख इतना तो बड़ा, 7 साल का मेरे यहाँ है, मैंने एक बच्चा पकड़ा 7 साल का, ना आपके देखा कि हद तक आया था, है? तो वो तो हो गई थी विकास की, नहीं इतनी होगी ना, हद तक आ गया था। अब बताओ स्कूल, अच्छा एक बार बताओ विकास किसके स्कूल में पढ़ रहा? मैं थारे बालक पढ़े नहीं पढ़ते है? ओहो तो थारे नहीं पढ़ने के वहाँ। यहाँ यहाँ हूँ मैं 3 दिसंबर से, उससे पहले मेरे क्या बालक रो रहे जो घर के आ जो मोदी की राह पे कैसे चल दूंगा? मैंने कौन सा शादी करके छोड़ दी? मैंने शादी ही नहीं करी ना, मैं डरपोक क्यों होता? अच्छा जो शादी ना करे वो डरपोक नहीं, तुम जो हो तुम ज्यादा वो हो, ताकतवर हो, आजा कुश्ती लड़ ले। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अब देखिए अभी तक तो देश की जनता ही आपका समर्थन कर रही थी, लेकिन अभी देश के बाहर जो है विदेश से भी भीड़ करके किसानों के लिए आवाज उठाई जा रही है कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर कुछ हल निकले, तो उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। नहीं देखिए जो किसान का समर्थन करेगा तो प्रधानमंत्री किसानों का समर्थन कर दो, हम तो इसका भी धन्यवाद कर देंगे। जो जो कहीं का भी हो किसानों का जो समर्थन करेगा किसान उसका धन्यवाद करेंगे। बहुत बढ़िया है, कंगना को तो खाली पके धोरे भेजना पड़ेगा। देखिए मैं उनके साथ आंदोलन में रहा हूँ, वो बुजुर्ग हैं, और बच्चे का हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत है कि बच्चे का और बूढ़े का दिमाग एक सा हो जाओ, तो अब उनमें बच्चे का दिमाग आ गया थोड़ा, बुजुर्ग हो गए, सारी जिंदगी उन्हीं से आंदोलन कराओगे तुम नहीं करोगे, मतलब दूसरों की थाली का खाओगे ठाके? अरे अब तुम भी करना सीखो। क्या अन्ना हजारे जो है विकास को तो शिक्षा नहीं दे रहे हैं घर बैठकर? नहीं मैं देखिए मैं वो चाहे गलत भी करें, मैं उनका साथी रहा हूँ तो मैं उनके बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोलूँगा। जिनका मैं साथी रहा हूँ वो गलत करेगा साथ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में गलत नहीं बोलता। आपको बता दो इतना बड़ी जो बैरिकेड लगाई गई है, तार लगाए हैं, कीले लगाए हैं, इतने सारा मामला, तो दिल्ली कैसे जाओगे? क्यों दिल्ली जाने में कौन रोक देगा? कोई कोई जरूरी इसी रास्ते से जाना? अरे कोई जरूरी? आनंद विहार का खुल रहा है, सूर्यनगर का खुल रहा है, परे ज्ञानी बॉर्डर खुल रहा है, कौन? और जब किले की चार बंदी होगी तो वो तो सारे बंद होंगे। मतलब इतना डर है मोदी? अरे इतना डर है? और कह दियो मोदी से, क्योंकि तम से ही मिलेगा वो, हमसे ना मिले, कि जो डर गया समझो मर गया। ये किसानों ने कहा है, अगर हिम्मत है तो आ मैदान में, जो सड़क पड़ी है पल्ली तरफ सारी सरकार बैठ जाए, इधर किसान बैठे हैं, बीच में देश का गोदी मोदी
और भी कोई और दी मोदी गोदी पौधी मीडिया हो सब बैठ जाओ।